हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा, विद्या और अविद्या पर। ये तीनों ही शब्द गूढ़ रहस्यों से परिपूर्ण है। विद्या संस्कृत भाषा का शब्द है और विद्या की उत्पत्ति है वेति अनया सा विद्या, अर्थात जिसके द्वारा जाना जाए वह विद्या है। शिक्षा की उत्पत्ति है शिक्षते अनया इति शिक्षा, अर्थात जिससे सीखा जाए वह शिक्षा है। विद्या शब्द का प्रयोग भी कहीं कहीं शिक्षा के लिए ही करते हैं। शंकराचार्य के अनुसार सा विद्या या विमुक्त, अर्थात शिक्षा वह है जो बंधनों से मुक्ति दिलाती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वानों की पूजा देश विदेश नगर गांव काल अकाल सभी स्थानों पर होती है, अर्थात उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। विद्या को 200 रूपों में विभाजित किया गया है, पराविद्या और अपराविद्या। मुंडकोपनिषद में विद्या की विस्तार से चर्चा की गई है। उसके अनुसार पराविद्या वह है जो कि मानव का चरम सत्य से साक्षात्कराती है और इसे सर्व विद्या प्रतिष्ठा के पद पर भी आसीन किया गया है। इसे वैदिक ज्ञान का केंद्र बिंदु भी माना गया है, जिसमें समस्त अपरा विद्याओं का सूक्ष्म चिंतन एवं विश्लेषण सम्मिलित किया गया था। पराविद्या का आशय है आध्यात्मिक विद्या से। अपरा विद्या के अंतर्गत समस्त वेदों का अध्ययन निहित है। इसे त्रयी स्वाध्याय नाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त छात्र के लौकिक साहित्य का भी अध्ययन कराया जाता था। यह विद्या मनुष्य को सांसारिक जीवन की कुशलताओं से परिपूर्ण करके उसे जीवन यापन में सहायता करती थी, किंतु वैदिक शिक्षा का दीर्घगामी लक्ष्य था। वहीं अविद्या एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ अज्ञान, भ्रम, मूर्ख एवं विद्या के विपरीत, अर्थात अविद्या का अर्थ हुआ अशिक्षित। यह शब्द बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रयोग किया जाता है। साथ साथ उपनिषद सहित बौद्ध धर्म ग्रंथों में, जैन धर्म ग्रंथों में भी इसका उपयोग कहीं कहीं पाया जाता है। अद्वैत दर्शन के अनुसार शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत में माया तथा अविद्या शब्दों के समानार्थी माना है। शंकराचार्य का मत है माया ईश्वर की अव्यक्त शक्ति है जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। वह तीन गुणों से युक्त अविद्या रूपिणी है, उसका पता उसके कार्यों से चलता है। वही इस जगत को उत्पन्न करती है। ब्रह्म जब विद्या से उपाहित हो जाता है तब वह उसे सोपादिक ब्रह्मेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह संसार ही अविद्या है जिसमें अज्ञानी मनुष्य भुक्तभोगी बनकर अपने जीवन का निर्वहन करता है। मोक्ष के ज्ञान द्वारा ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो विद्या हमें निर्भय, दोष रहित जीवन जीने की कला सिखाती है। आत्मविश्वास के साथ हम हर जगह खड़े हो सकते हैं, सम्मान के साथ जीवन जी सकते हैं, और वहीं अविद्या हमें राह से भटकाती है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।